नादौन के पूर्व विधायक एवं एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कुर्सी से हटाए जाने को सही करार दिया है। हमीरपुर में विजय अग्निहोत्री ने कहा कि सुक्खू की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कांग्रेस पार्टी को देर लगी है, लेकिन सुक्खू पहले से ही ऐसे थे। अग्निहोत्री ने सुक्खू की कुर्सी छीनने पर संवेदना व्यक्त की और कहा कि सुक्खू के किए गए काम आज उनके सामने हैं। एचआरटीसी निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि सुक्खू की पार्टी ने देरी की है और यह बहुत पहले होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदना सुक्खू के साथ है क्योंकि मैं सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। अग्निहोत्री ने कहा कि सुक्खू के किए गए कामों के चलते ही आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुक्खू के खिलाफ खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। वैसे तो ये परंपरा डेमोक्रेसी में कोई बहुत बड़ी परंपरा नहीं है कि किसी को बदलना, लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है, इस करके उनको बदला है और उनके ऊपर बहुत से प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाए हैं, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह हैं, चाहे वो अन्य कोई नेता है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री, इन सब ने उनके कार्यकाल को एक काराध्याय बताया है कि इसमें कांग्रेस कोई चुनाव जीत नहीं पाई है और उन्होंने एक कबाड़खाना पार्टी को बना दिया था। तो ऐसे कि उनको समझने में थोड़ी देर लगी है, अन्यथा इनको तो बड़े पहले से, जब उनकी पार्टी उनको पुकार रही है, मेरी तो सिंपथी उनके साथ है क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूएंसी के वो आदमी हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लोग उनको नहीं झेल रहे हैं तो इसमें उनको कोई ना कोई कमी होगी। गौरतलब है कि नादौन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके चलते ही सुक्खू के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी चले जाने पर विजय अग्निहोत्री ने भी लगे हाथ तंज कस दिए हैं।